खदीजा जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है, वापस जाना हॉस्पिटल। नौमान। सलामुअलैकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नौमान बेटा, मैं तो तुम्हें डॉक्टर बना के पछता रहा हूं यार। कई कई दिन तुम्हारी सूरत देखने को तरस जाते हैं, है? अब तो तुम एक बेटे के बाप भी हो, उसे भी तुम्हारे वक्त की जरूरत है बेटा, उसे वक्त दिया करो। मुझे बिल्कुल एहसास है अब्बा जी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है, ना दिन का पता लगता है ना रात। और मुझे खुद बहुत फिक्र है उम्र की, जहनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से उम्र की ग्रोथ अपने हम उम्र बच्चों से काफी पीछे रह गई, गुमसुम सा रहता है। और नई सेज के बच्चे तो काफी एक्टिव होते हैं, पता नहीं हमसे कहां उसकी परवरिश में, उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई, समझ नहीं। परेशान हो बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो वो छोटा सा है, बस सारा उसकी शख्सियत में थोड़ी सी एतमाद की कमी है, और कुछ भी नहीं है। वो भी इसलिए कि माँ से चिपका रहता है ना हर वक्त, इसलिए माँ की शख्सियत की छाप लग गई उस पर। उसी तरह हर वक्त खोया खोया अपनी जात में घूम, लेकिन परेशानी की बात नहीं है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं फुरकान, ये देखिए रिदा की रिपोर्ट, इतनी तारीफें लिखी हैं, और मैं तो टीचर से मिलकर आई हूं, बहुत तारीफ कर रही थी, पूरे स्कूल में चर्चे हैं हमारी रिदा के। बाकी बहुत तारीफें लिखी हैं। क्या बात है, किन सोचों में गुम है, आपको खुशी नहीं हुई? अरे मुझे खुशी नहीं होगी तो और किसको होगी। दरअसल मैं रिदा के मिजाज के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं। ने नोट नहीं किया कि वो दिन ब दिन कितनी खुदसर, कितनी जिद्दी होती जा रही है। मैंने तो ऐसी कोई चीज नोट नहीं की, कब की है उसने बदतमीजी, किससे की है? ओहो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, रिदा मेरी भी औलाद है, उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचना मेरा फर्ज है। अब आज ही की बात देख लो, मैं उसके लिए डॉल और उमर के लिए कार लेके आया था, उसने अपनी डॉल तो ली ही ली, साथ में उसकी कार भी छीन ली। क्या हो गया, जिद करते हैं, अपनी चीज दूसरे की चीज अपनी चीज से ज्यादा बेहतर लगती है। नहीं मलिका, मुझे यही बात ठीक नहीं लगी, रिदा हमारी इकलौती औलाद है, मुझे अपनी जान से प्यारी है, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि एक दिन उसने ब्याह कर ससुराल चले जाना है। अगर यही हरकत उमर करता तो खैर थी, इग्नोर कर दी जाती, लेकिन रिदा, बेचारी रिदा अगर फरमाइश भी करे तो वो जिद है, बदतमीजी है, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है, और यही सब कुछ अगर उमर करे तो ठीक है, सब चलता है क्योंकि वो लड़का है, रिदा ने तो ब्याह कर चले जाना है दूसरे घर। हाँ ये उमर ही है जो आपके खानदान का नाम चलाएगा ना आगे, इसीलिए उसका मकाम है इस घर में। वो आहिस्ता बोलो अब्बा जी, सुन लेंगे। देखो मलिका, ये जज्बातियत और ममता को एक तरफ रखकर खुले दिलो दिमाग से सोचो, मैं उमर की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आने वाली जिंदगी में उसे कोई तकलीफ पहुंचे। उसकी अना, उसकी सख्त तबीयत को देखकर मुझे डर सा लगने लगता है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो कोई गलत कदम उठा लेगी, खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। डर सा जाता हूं मैं उसका ये रूप देखकर, पता नहीं किस पर चली गई है। हमारे खानदान में तो ऐसी जारहाना तबीयत किसी की भी नहीं। चाय ले लूंगा। तबीयत कैसी है इसकी अब? बेहतर है अब तो। मेडिसिंस टाइम पे देती हो उसे? कोशिश करती हूँ। कोशिश करती है?
ये क्या जवाब हो? तुम जानती हो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक टाइम से लेना पड़ती है, बाकायदगी के साथ लेना पड़ती है। अगर एक सिंगल डोज भी मिस हो जाए ना तो फिर मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं भी किस जाहिल औरत को समझा रहा हूं, तुम अगर समझने वाली होती ना तो आज मेरे बेटे का यह हाल ना होता। एंड बाय द वे घर में सारा दिन करती क्या रहती हो तुम, जो तुम्हारे पास बेटे को मेडिसिन देने के लिए टाइम नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो रात मासी के घुटने का ऑपरेशन हुआ है तो सारा काम मुझ पे आ पड़ा है। अब एक आध दफा ही देर सवेर हुई है, बाकी तो मैं टाइम पे दे रही हूँ दवाई। हाँ देख रहा हूँ मैंने घर भी तुमने किस तरह संभाल रखा है। जब सब कुछ मलका भाभी के हाथ में था ना तो पूरा सिस्टम अप टू द मार्क चलता था। ये तो मलका भाभी का बड़ापन है जो उन्होंने तुम पर भरोसा करके सारा अख्तियार तुम्हें सौंप दिया, वो भी इस नेक नीति के जज्बे के साथ कि तुम में हौसला पैदा हो, तुम में एतमाद बढ़े और तुम इस घर को और यहाँ के रहने वालों को अपना समझने लगो। लेकिन नहीं नहीं खदीजा, नहीं, तुमने सिवाय दूसरों को मायूस करने का और किया ही क्या है। यू आर अ लूजर। ऐसी आफत की परकाला शैतान बच्ची पैदा की है मलिका ने। उफ, क्या बताऊं, हूबहू अपनी माँ पर गई है। 2 घंटे के अंदर सारा घर उलट पुलट कर रख दिया। भाई यही तो मैं भी कहता हूँ कि भाई बेटियां माँ का परताव होती है। वो मशहूर कहावत है ना कि जैसी माँ वो वैसी ही बेटी। ये रिदा जो है ना, इसे ना अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ है और ना ही अपने हम उम्रों के साथ उठने बैठने का तौर तरीका आता है। अभी फुरकान बता रहा था कि कुछ दिन पहले वो उसके दोस्त के बेटे की सालगिरह थी, जब वो ले गया मलका को और रिदा को अपने साथ। वहाँ मौजूद जितने बच्चे थे ना, उनको नाको चने चबवा दिए रिदा ने। पर किसी के बाल खींच के उसका हुलिया बिगाड़ दिया, किसी को धक्का दे के गिरा दिया, किसी का घुटना छील दिया, किसी का सर फोड़ दिया। अरे हाजी साहब, बच्चे सब इकट्ठे हुए तो मौज मस्ती तो होगी ना, है? अरे खेलने का यही तरीका है बच्चों का। अरे अम्मा रहने दो, मुझे मत समझाओ, अच्छी तरह जानती हूँ कि रिदा की तरबियत कैसे करनी है। अब्बा को मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी लेकिन मैं चुप रही। तुम उन्हें समझा दो कि आजकल सीधी साधी लड़कियां, मिन मिन करती लड़कियां ससुराल में एक दिन नहीं टिक सकती। हाँ, ये सास नन्हे बहुत भबा कुटियाँ होती हैं। खतीजा जैसी औरतें जिनके मुंह में जुबान नहीं है, अरे लोग इन्हें बेच खाएं और इन्हें पता भी ना चले। मैं नहीं चाहती मेरी रिदा ऐसी हो, मैं चाहती हूँ मेरे जैसी हो, मुंह तोड़ जवाब देने वाली, ताकि उससे कोई टक्कर ही ना ले सके। बात तो तुम्हारी 16 आने सच है मलिका। अब अपनी खतीजा को ही देख लो, सलीका मंद है, सुगड़ है, सलीका चार है और गोया मुँह में जबान ही कोई नहीं है। तो उसे अपने शौहर और ससुराल वालों के दिल पे राज करना चाहिए था। सारे सिया सफेद की मालिक और करती धरती तो तुम ही हो। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है उस औरत की अपने ससुराल वालों की नजर में। आजकल के दौर में अकबरी नहीं असगरी का सिक्का चलता है। और क्या अम्मा, उमर रो रहा है, लगता है रिदा ने फिर उसकी पिटाई कर दी है, बहुत मारती है उसे। अच्छा मैं जाके उनको देखती हूँ, फुरकान आने वाले, बहुत प्यार है ना उनके दिल में अपने भाइयों के लिए और उनकी औलादों के लिए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
अरे भाई नुमान, तुमने उमर को वो रीदा वाले स्कूल में दाखिल क्यों नहीं करवाया? भाई स्कूल का वो मयार नहीं है। एक्चुअली रीदा का स्कूल काफी हाई स्टैंडर्ड का जरूर है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि बल्कि मलका भाभी का खुद का भी यही ख्याल है कि अभी फिलहाल उमर का एडमिशन उसके स्कूल में नहीं करवाना चाहिए। इतना बड़ा सेटअप देखकर, इतने ज्यादा बच्चे देखकर उमर घबरा जाए, अपने हॉल में बंद होकर रह जाएगा। रीदा के स्कूल के बच्चे काफी कॉन्फिडेंट हैं, काफी शार्प हैं। उमर आदि नहीं है ऐसे माहौल का। लेकिन भाई भाई बात ये है, देखो मलिका जो है ना बड़ी दूरंदेश औरत है। वो ठीक है कि ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन इंसानी नफसियात पे बड़ा अबूर है उसको। मैं समझता हूं कि उसने सोच समझ के ये फैसला किया है। भाईजान, मुझे मलका भाभी पर बेहद एतमाद है। मेरे बेटे के लिए जो भी फैसला करेंगी वो उसकी बेहतरी के लिए ही होगा। ठीक है, फिर भी रीदा इतने अच्छे स्कूल में और उमर बेचारा। भाई बात ये है कि उमर का स्कूल भी कोई मामूली स्कूल नहीं है। अब ठीक है कि रीदा के स्कूल का स्टैंडर्ड हाई है, लेकिन वो भी ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का दिल लग गया। तुम तो जानते हो कि भाई वो लोगों में ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, अपने हॉल में बंद रहता है। बल्कि देखो ना, घर में भी वो अपनी माँ से मानूस है सिर्फ, हत्ता कि अपने बाप से भी वो ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। रात मासी दो तीन दिन और आराम कर लेती, घुटना फिर से ना उतर जाए कहीं। हाय हाय, हम गरीबों का क्या है छोटी दुल्हन। और वैसे भी मलका आलिया ने कहा हुआ है कि अगर 3 दिन छोपर छुट्टी की तो छारे के छारे पैसे तनख्वाह में से काट लूंगी। भाई हमारी तनख्वाह ही कितनी है, और वैसे भी हम 12 साल से जुर्माना भरे चले आ रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी नहीं, अब तो लगता है कि मर के इस नौकरी से जान छूटेगी। अल्लाह ना करे रात मासी, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन यहाँ। आए क्यों ना करे, चला जा नीरा, पर नौकरी पे आना फर्ज है। अच्छा जी बताओ, अपने उमर बाबा की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत नहीं ठीक, नज़ला बुखार का मसला भी नहीं है, बस आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। सेहत है कि संभल के नहीं दे रही। कैसे संभल पाएगी तबीयत उसकी, ना बेचारे को अच्छा खाने को मिले, ना पीने को मिले, ना धूप में बाहर जाके खेल सकता है खुली फिजा में। वो जो है ना उसकी चील जैसी ताई डायन, उसकी नजर उस पर गड़ी रहती, वो बेचारा बच्चा अच्छा दुबक के बैठा रहता है। तुम्हारी तरह हो गया बिल्कुल, उसका ख्याल रखा करो, प्यार किया करो उसको। कैसे रखूं ख्याल, कब रखूं? 2 मिनट को तो सुकून मिलता नहीं है। ये नहीं कि काम काज छोड़ के उसको दवाई दे दूं वक्त पे। अच्छा तुम आ गए आज, कल स्कूल जाना भी लाजिम है। अच्छा फिकर ना करो, इंशाल्लाह ताला देखना यही बच्चा जो आज लागर चाहे मिचकिन से, कल कैसा शेर जवान होकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे लिए दीवार बन के खड़ा होगा। जब के जान सा बेटा, मैं बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाना देना है। हाँ हाँ खाना बिल्कुल तैयार है। क्या है खाने में? आलू गोश्त है, बिरयानी है। हमारे लिए खाने में क्या है? अरहर की दाल। पीर को मूंग की दाल, मंगल को माश की दाल, बुध को चने की दाल। बस कर दो बेटा, ऐसे ना शुक्री नहीं करते हैं, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए टमाटर की चटनी भी बनाई। चलो बैठो, शाबाश दे रही हूँ। कुछ अलग नहीं चाहिए, उनकी तबीयत खराब है, मैदा खराब है, तो वो बस कह रहे थे मैं दूध या जूस ही लूंगा। तो जब से अब्बा जी बीमार हुए मुसीबत ही हो गई है, क्या पकाना है क्या नहीं पकाना,
परहेजी खाना अलग, तुम लोगों का खाना अलग, हमारा खाना अलग, सारा दिन यही सोचते गुजर जाता है। तुम्हारा काम आसान है, जो बताया बस हांडी चढ़ा दी, बस खाना लगाओ, मैं देखती हूँ रिदा आई है कि नहीं। तुम क्या देख रहे हो, खाना खाओ, चलो। हाँ मुझे पता है, ये खतीजा भी इतनी कुन जहन है ना, इतनी काम चोर है कि इसको समझ। खतीजा बिरयानी बनाई है इसके लिए रेटा मिली कि नहीं, जल्दी आओ। वो अम्मी चपाती बना रही थी और बिरयानी गर्म हो रही थी, जल्दी देर हो गई। अब मेरा मूड नहीं है, मुझे बिरयानी भी नहीं खानी। अरे क्या हो गया रिदा, कबाब बनवा दूं? नहीं। ऑमलेट? अरे नहीं मामा, हरगिज नहीं। और मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करवा रही हूँ, 15 मिनट में आ भी जाएगा। जी बूढ़ी लड़की है, देखो इसे। अच्छा ये ले जाओ और अपनी मामू का रोटियां ना बनाए, जाओ। मलिका बेटी, मलिका, खदीजा, खदीजा बेटी, भाई साहब की कोई खैर खबर? बहुत अरसा ही हो गया उनके यहाँ गए हुए, वहां सब ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है सिवाय बेक, उस बेचारे को तो बुढ़ापा खा ही गया। मामूली से बुखार और खांसी ने उसे मुस्तकिल बिस्तर से लगा दिया है, मगर अब इतना भी बीमार नहीं है बेग, मामूली सी खांसी है, डॉक्टर ने 10 से बचने का मशवरा दिया है। अच्छा। खुद तो बेचारा बड़ा एहतियात करता है क्योंकि घर में बच्चों का साथ है, उसके खांसने से बच्चों के मुतासिर होने का अंदेशा। हाँ ये तो है, भाई साहब भी हमेशा से बहुत सादा और मासूम है, उन्हें जिस राह पे लगा दो वहीं लग जाते हैं। एक उम्र गुजर गई लेकिन उन्हें अच्छे बुरे की तमीज ना आई। ये कहाँ लेकर जा रही हो? ये अपाचे के लिए। ना मुझे, तुम अपना काम करो, जा। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वालेकुम सलाम बेटा। हाँ बेटा तबीयत तो बस ऐसी है, बस गला खुश्क हो रहा था, पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था, आज पहली बार अपने आप को अपाहिज सा महसूस किया। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी आप, खुदा ना खास्ता आप अपाहिज तो नहीं है? मुझे भी ऐसा लगा कि शायद आपको किसी चीज की जरूरत है इसलिए ये ले आई। बस बेटा जो जो बुढ़ापा आता है ना, आदमी वहमी होता चला जाता है। अब देखो ना, मामूली सी सीने की जकड़न है और मैं बिस्तर पे लग के रह गया हूँ। बस वो उम्र के साथ साथ आदमी की कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम होती चली जाती है। आपके आराम के दिन, खूब आराम करें, हम हैं ना आपकी खिदमत करने के लिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहिए। हाँ बेटा हाँ मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए अपने कमरे में आराम से बिस्तर से लग के पड़ा हूँ कि मुझे तसल्ली है कि घर की बागडोर मेरी मलिका बेटी के हाथ में है।
वो फुरकान का फोन आया बेटा? जी जी आया था। कब आ रहा है इस्लामाबाद से वापस? परसों आ रहे हैं, आपका बहुत पूछ रहे थे, उनको बहुत फिक्र लगी रहती है आपकी सेहत की। हाँ बेटा, मेरी औलाद की सांसें मेरी सांसों से जुड़ी हैं। ओहो सलमान को ही देख लो, 14 साल हो गए हॉस्टल में रहते हुए है, लेकिन अभी भी घर में अपने भाइयों और बाप के साथ रहने के लिए मचलता रहता है। अब देखे ना सलमान को कितनी अच्छी नौकरी मिल गई है इस्लामाबाद में। हाँ बेटा, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता करे। और ये जो सलमान आज जो कुछ भी है ना बेटा, तुम्हारे बेहतरीन फैसलों और तुम्हारी तरबियत की वजह से है। ये नौमान ने दिखाई दिया कई दिन से। हेलो, जी जी जी, डॉक्टर नुमान बात कर रहा हूँ, बोलिए। मिस सादिया क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं नहीं सादिया, मैं एक्चुअली अवेलेबल नहीं होऊंगा इस संडे को। नहीं जी, मैं कोई अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रहा। नहीं जी, मसला ये है कि मैं मुसलसल 3 वीक से सर्जरीज में बिजी हूँ जी। नहीं तो अगर आपको इमरजेंसी है तो प्लीज़ आप, और डॉक्टर्स भी हैं पूरे शहर में, उनसे रब्ता कर लीजिए। नहीं जी, मैं इस संडे को रेस्ट करूँगा। ओके थैंक यू। खाने लगा दो। नहीं आज आईटी पर बहुत कुछ था, बहुत खा लिया मैंने, भूख नहीं है। तुम बताओ अब्बा जी कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते हैं। तुम उनका ख्याल तो रखती हो ना? जाहिर सी बात है, अब तो उनसे सुबह भी मुलाकात हो पाएगी। 10 बज रहे हैं इस वक्त, उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा ना? सुबह मिल जरूर लीजिएगा उनसे, पूछते रहते हैं अक्सर आपका। नहीं कल मैं फ्री हूँ, कहीं नहीं जा रहा, सुबह का नाश्ता अब्बा जी के साथ ही करूँगा। अभी कहाँ जा रहे हैं? उमर के रूम में, बहुत दिन हुए उससे मुलाकात नहीं हुई। वो तो सो चुका है। इतनी जल्दी सो गया? आज तो सैटरडे नाइट है, कल छुट्टी है उसकी, वो यूजली जागता है 12-1 बजे तक। उसकी तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत ठीक है, बस यूं ही सो गया जल्दी। ये जानकर भी कि उसका बाप आज 3 हफ्तों के बाद फारिग होकर आया, उसने मेरा इंतजार करना मुनासिब ना समझा। यहाँ पर शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, भूल गया होगा। मैं देखता हूँ।
रिदा, रिदा उठ जाओ, सुबह हो गई है, उठ जाओ रिदा। क्या है मामा, सोने देना, आज तो संडे है वैसे भी। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, आज तुम्हारे नोमी चाचू घर पे हैं, जरा जाके ना उनके आगे पीछे फिरो, उनके सामने ये साबित करो कि तुम उम्र से बेहतर हो, बल्कि बेस्ट हो बेस्ट। क्या है मामा, कुछ देर और सोने देना, और उम्र तो वैसे भी आज 11 बजे उठेगा, आप मुझे उसके उठने से आधे घंटे पहले उठा देगा और मैं उससे जीत जाऊंगी उठकर, पर अभी सोने देना प्लीज। अरे नहीं नहीं सुन, अरे तुम्हारे चाचू ना अगले महीने दुबई जा रहे हैं, यही वक्त है उनसे अपनी फरमाइशें पूरी कराने का। जा ले, जो ये मतलब की बात समझती हूँ, मैं उठाऊंगी तुम्हें आधे घंटे में। बस आराम से। नहीं बेटा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भला चंगा हूँ, अभी मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी अब्बा जी, इतनी सी बात पर आप बिस्तर से लगकर बैठ गया। आप बिल्कुल ठीक हैं अब्बा जी, मैं आपको पहले की तरह घर में चलता फिरता देखना चाहता हूँ। अरे बेटा बस आराम की लत पड़ गई है मुझे, चल फिर बहुत दिया हा? अब हर वक्त दिल चाहता है कि बस बिस्तर पर पड़ा रहूँ। वो इसलिए कि आप कमज़ोर हो गए ना अब्बा जी, और कमज़ोरी में तो आपको नखात फील होगी। बस बेटा मेरा अपसेट हो गया ना जरा, तो बस कोई खाना पीना भी छूट गया। अरे अब्बा जी ये क्या बात हुई भला, आपका मैदा अगर ख़राब हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप खाना पीना छोड़ दें, आप सब कुछ खा पी सकते हैं। मैं भाभी से बात करूँगा, वो आपका एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएंगी जिसे आप वीकली बेसिस पे फॉलो करेंगे। अरे वो बेचारी तो बहुत ख्याल रखती है मेरा, पर मैं ही बीच में डंडी मार जाता हूँ। हाँ वही वो फुरकान आ रहा कल शाम में, बता रहा था कि बहुत ही कामयाब रहा है बिजनेस ट्रिप उसका। नौमान कोशिश करना बेटा, तुम भी कल घर पे हो शाम में। बस मैं तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे तीनों बेटे माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। अच्छा मैं भी कोशिश करूँगा अब्बा जी के कल घर पर ही रहा, असल में पे दर पे सर्जरीज इमरजेंसी से मुझे बहुत बिजी कर दिया था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब सबको टाइम दूंगा। वो उमर से मुलाकात हुई भी थी तुम्हारी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, उमर से मुलाकात हुई? अब्बा जी वो मुझे हमेशा की तरह अवॉइड कर रहा है, शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाह रहा। रात भी वो जल्दी सो गया और अभी तक नहीं उठा, जैसे उठना ही ना चाह रहा। नहीं नहीं हो सकता है बेटा ये तुम्हारी गलत फहमी हो, वो थक गया हो वो। नहीं अब्बा जी नहीं, वो मुझसे नफरत करता है, उसकी आंखों में मेरे लिए नापसंदीदगी है, शायद ये मेरी गलती मेरी गफलत का ही नतीजा, क्योंकि मैं उसे टाइम ही नहीं दे पाया जिसकी वजह से मुझसे दूर चला गया। मैं भी क्या करता अब्बा जी, पिछले 10 सालों ने मुझे इतना बिजी कर दिया कि जॉब सर्जरी स्पेशलाइजेशन ट्रैवलिंग नहीं दे पाया उसे टाइम। फिक्र करो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो चाय पियो। बेटा आप क्यों नहीं मिल रहे अब्बू से, इतने दिन बाद घर आए हैं वो। अम्मी मैं शुरू से यही देखता आ रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, ना वो आपसे प्यार करते ना वो मुझसे। बेटा आपसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो, अब्बू डॉक्टर है ना, उनको ऑपरेशन करने के लिए और दूसरे शहरों में भी जाना होता है, फिर मसरूफ़ रहते हैं वो, लेट आते हैं रात को, आप सो चुके होते हो, इसमें उनका कसूर तो नहीं है ना बेटा, ऐसे दिल मेला नहीं करते अब्बू की तरफ से, उन्हें दुख होगा। देखो रिदा भी तो है ना, ताईजान भी तो जाते हैं बिजनेस के लिए दूसरे शहरों में, जब वापस आते हैं तो वो कैसे लिपट जाती है बाप से। मैं ताईजान से प्यार करते हैं और वो प्यार नजर भी आता है, वो उनके लिए कितने सारे तोहफे लेकर आते हैं,
और अब्बू, अब्बू को तो हमेशा से ही हमसे शिकायत है। वो जब भी घर आते आपसे झगड़ा शुरू कर देते हैं। जो आपकी इज्जत नहीं करता मम्मी, मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगा। अमर, अम्मी आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप खुश नहीं रहेंगी ना तो मैं भी खुश नहीं रहूंगा, और मुझसे नहीं होता ये झूठा बूटा प्यार। बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं कहते हैं। चाय ले ले। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला मुझे चाय की तलब हो रही है? बस पता चल गया। हाँ इधर आओ बैठो। पता है ये जो आदत है आपकी, ये आपने अपने मामा से अडॉप्ट की, वो भी बिल्कुल इसी तरह। पता नहीं कैसे जान जाती कि किसको कब किस चीज की जरूरत है। अरे भाई चचा भतीजी में क्या बातें हो रही हैं? भाभी दीदा बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। उसी तरह सबसे कंसर्न रहना, उसी तरह सबकी केयर करना, बिल्कुल कॉपी है आपकी। पता है चाचू, नाना अब्बू और नानू भी यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल मामा पे गई हूँ। हाँ भाई, औलाद जो होती है वो अपनी खामियां और खूबियां सब वरसे में अपने माँ बाप से ही तो लेती है, खासतौर पर माँ से। माँ की तरबियत का बहुत असर होता है। जैसी माँ होगी, जो वो कहेगी, जैसा करेगी, उसका असर तो होगा ना बच्चों पे। रिदा तुमने अपने पापा को फोन किया, उनकी खैरियत पूछी? ये पूछा कि वो कब आ रहे हैं? मैंने कल रात में ही तो कॉल की थी। हाँ तो अभी भी कर लो ना, उनका हाल पूछो। उनको अच्छा लगेगा कि उनकी बेटी उन्हें फोन कर रही है। भाई वो इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं। शाबाश जाओ। नुमान क्या हुआ, चाय ठंडी हो रही है, क्या सोच रहे हो? जी जी भाभी पी रहा हूँ। दो चाचू को सलाम दो जल्दी से। शाबाश। थैंक यू बेटा। चावल लोगे? नहीं। सालन ले लो। क्या मसला क्या तुम्हारे साथ? अगर खाना नहीं खाना तो टेबल पर क्यों बैठो? इसको अपनी माँ की तरह अलग थलग बैठकर खाने की आदत हो गई है शायद। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सुबह से सब्जी की फरमाइश कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ इसको। यानी क्या हो गया आजकल के बच्चों को, इतने नखरे करते हैं। नाश्ते में कुछ चाहिए, दोपहर के खाने में कुछ चाहिए, बाजार से मंगा के खाना है, घर का खाना तो उनको पसंद ही नहीं, रात में कुछ। मेरी रिदा इतनी अच्छी है, बस सामने जो उसके रख दो वही खा लेती है चुपचाप। तुम एक जाहिल और नाफरमान बीवी हो। इतने बरसों में आज तक तुमने मुझे सुख का एक दिन नहीं देखने दिया। मैंने जब भी तुम्हारी जानिब अपना हाथ बढ़ाना चाहा, तुमने मेरा हाथ छटक दिया। अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना के रखी और हमेशा उसी में कैद रही। मेरे घर वालों का बायकॉट करके रख दिया। अरे किस्मत से मिलते ऐसे ससुराल वाले, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा ही गमगीन और अफसुर्दा पाया। आपको क्यों लगता है मैं खुश नहीं हूं? आपको और आपके घर वालों को अपना नहीं समझती। क्योंकि तुम जहां शादी करना चाहती थी वहां शादी हो नहीं सकी तुम्हारी। बदकिस्मती से तुम यहां ब्याह करा गई और अब इस बात का बदला मुझसे और मेरे घर वालों से ले रही हो। क्यों लूंगी मैं बदला आपसे? आपके अलावा किसी मर्द का साया नहीं पड़ा मेरी जिंदगी पे। ये बात मैं आपको बता बता के थक चुकी हूँ। आपके दिल से ये शक जाता क्यों नहीं है? क्योंकि यही सच है। ये इंतकाम नहीं तो और क्या है? मेरे एक लौते बेटे को तुमने उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मुझसे वो
यूं खिंचा खिंचा रहता है जैसे मैं उसका बाप नहीं उसका दुश्मन हूं। अरे क्यों नफरत का जहर घोल रही हो तुम मेरे बेटे के दिलो दिमाग में? क्यों? नफरत नहीं करता वो आपसे, शायद किसी बात पे नाराज है, इजहार नहीं कर पा रहा। नाराज? वाह अनोखी औलाद है मेरी, बाप से बिला वजह नाराज है और नाराजगी की वजह भी नहीं बताता। मेरा भी दिल करता है कि मेरा बेटा मुझसे लाड करे, फरमाइशें करे, बेशक मुझसे गिला करे, शिकायतें करे, लेकिन लेकिन मेरे करीब तो आए। उमर हसास है बहुत, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, तलखी आ रही है उसकी जुबान में, मैं खुद ये सब देख के परेशान हूं। ये सब तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर? हाँ तो और किसका है, तुम्हारे साए में ही पला बड़ा है ना, हर वक्त तो तुम्हारे साथ चिपका रहता है, बड़ा हमदर्द बना रहता है वो तुम्हारा। आखिर ऐसे क्या क्या किस्से सुनाती रहती हो तुम, जो तुम्हारे गम में तुम्हारे दर्द में मरा जा रहा है वो, सिवाय तुम्हारे उसे और कोई नजर ही नहीं आता। क्योंकि बच्चे बासानी फर्क कर सकते हैं मोहब्बत और नफरत में, उसे ये लगता है कि शायद सिर्फ उसकी माँ इस घर में जो उससे मोहब्बत करती है। अब उसे ये क्यों लगता है ये मुझे नहीं पता, बेहतर है कि आप उसे खुद ही पूछें। रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।